पार्शियल वार्ड्स है 29 वार्ड्स के लिए कल इलेक्शन के लिए आज तीन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से सिटी निज़ाम कॉलेज सिटी कॉलेज निज़ाम कॉलेज और मुमताज कॉलेज मलकपेट से 4 बजे तक पूरा ईवीएम 1180 पोलिंग बूथ्स को पहुंच जाएगा। कल इलेक्शन के लिए 5500 से ज़्यादा फोर्स ये सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है और तेलंगाना स्पेशल पुलिस CPL अमरपेट CR और 1 IG 1 DIG 1 DCP 2 IPS ASPs 6 ACPs से साथ 5500 से ज़्यादा डिप्लॉयमेंट कर दिया। 7 places ज़्यादा वल्नरेबिलिटी देख रहे हैं हम लोग मान रहे हैं, ये पुराना पुल, गांसी बाजार, शालीबंडा, आजमपुरा और गौलीपुरा, जंगलपेट और उप्पुगुड़ा एरिया में सेंसिटिव लग रहा है। इसके लिए वो शैडो टीम भी रख दिया, स्पेशल सेंट्रल फोर्स भी रख दिया वहाँ। सो हर एक जो आदमी प्रॉब्लम करने के लिए पॉसिबल है उनके पीछे शैडो टीम भी रख दिया। ये पुराना पुल को, गांधी बाजार को, ये राजेंद्र नगर साइबराबाद से कुछ रोडिया लोग का आने के लिए पॉसिबिलिटी हमको दिखा रहे हैं। उनको अगर बाहर से यहीं आएगा तो उनको इमीडिएटली गिरफ्तार करके उनके ऊपर सबको नॉन अवेलेबल सेक्शन रख के करेंगे। जो कैंडिडेट है, जो जनरल एजेंट है, वही करना, वही घूमना है। अगर एक डिवीजन में कैंडिडेट दूसरा डिवीजन में करेगा तो उनको प्रिवेंटिव अरेस्ट करेंगे, क्योंकि जो आदमी कैंडिडेट जनरल एजेंट वही डिवीजन में काम करना है और पोलिंग बूथ को जा सकता है। दूसरा पोलिंग बूथ को अगर आएगा तो थोड़ा इन्फ्लुएंस करेगा तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाएगा। अभी तक 560 बैंडोर्स कर दिया। जो आदमी थोड़ा तकलीफ अमान शांति को वायलेशन करेगा तो उनको लेने के लिए कहीं बात बात
बेटी